हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एम आई वर्सेज सी एस के मैच के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं वेन्यू और पिच रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ये मैच होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। पिच की बात करें तो पिच ओवरऑल बैलेंस्ड होगी, स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते फ्रेंड्स इस मैच पे टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर्स का। इस ग्राउंड पे एज ए बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ 1 मैच 75 रन, डिकॉक 1 मैच 70 रन, फैफ डुप्लेसी 1 मैच 56 रन, कोनन पल्डिया 1 मैच 39 रन, रैना 1 मैच 17 रन, पुलाड 1 मैच 16 रन। एज ए बैट्समैन का परफॉर्मेंस है जिन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया इसी ग्राउंड पर। ठीक है, अब चलिए बॉलर्स का बात कर लेते हैं। राहुल चौहान 1 मैच 2 विकेट, एनगीडी 1 मैच 2 विकेट, बोल्ट 1 मैच 1 विकेट, बुमराह 1 मैच 1 विकेट, सैम करन 1 मैच 1 विकेट। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे बनने वाला एवरेज टोटल कितना बनता है। एवरेज टोटल की बात करें तो 161 है और फर्स्ट इनिंग का स्कोर भी 161 है। फ्रेंड्स, इस ग्राउंड पे जो भी टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है वो टीम 80% जीतती है। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड है तो आप इनको देख लेना। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। चेन्नई से गायकवाड़ और फैफ ओपन करेंगे, मोइन अली फर्स्ट डाउन, रैना, अंपत्ति, धोनी, जडेजा, सैम करन, एनगीडी, सरदुल ठाकुर, दीपक चहर, ये चेन्नई के प्रॉपर प्लेइंग 11 होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस का। रोहित शर्मा, डिकॉक ओपन करेंगे, सूर्या फर्स्ट डाउन, ईशान या कुलटर्नल दोनों में से कल कोई एक खेलेगा। ठीक है, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जयंत यादव, राहुल चेहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ये इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाले हैं जो कल के मैच खेलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस ग्राउंड पे खेले गए रीसेंट 5 मैचेस के बारे में। मैच नंबर 1 मुंबई इंडियन वर्सेस राजस्थान रॉयल। पेसर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को 2 विकेट। इसमें डिकॉक 70 स्कोर करा था और कृणाल पांड्या 39, वहीं राहुल चेहर को 2 विकेट मिला। मैच नंबर 2 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज सनराइज हैदराबाद। पेसर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स को 3 विकेट। ऋतुराज गायकवाड़ 75, फैफ 56, एनगीडी को 2 विकेट मिला था। मैच नंबर 3 राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, 5 विकेट पेसर्स को, 8 विनर्स स्पिनर्स को। मैच नंबर 4 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, फिर से पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 6। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई मैच नंबर 5 पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 6। कुणाल 37, हार्दिक 32, डिकॉक 35, रोहित 30, सूर्या 26। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से बात करी जाए तो राहुल चेहर ने 3 विकेट निकाला था और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट। टोटल विकेट की रेशियो की बात करी जाए तो पेसर्स को 25, स्पिनर्स को 25, दोनों एक वाली है। ठीक है, बट ज़्यादा हेल्प स्पिनर्स को मिल रही है इस ग्राउंड से। ठीक है, वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर की बात करी जो 162 है, सेकेंड इनिंग का 153 है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्लेयर्स का हेड टू हेड परफॉर्मेंस और इस ग्राउंड पे कैसा रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआई के प्लेयर्स का। एमआई से डिकॉक इस ग्राउंड पे 11 इनिंग में 271 रन, 30 का एवरेज है। हेड टू हेड के 10 इनिंग में 219 रन, 24 का एवरेज है। तो डिकॉक का परफॉर्मेंस एवरेज है। ठीक है, इस ग्राउंड पर भी और अपोनेंट के अगेंस्ट भी। ठीक है, ईशान काल का मैच खेल सकते हैं। ठीक है, इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। 3 मैच 11 इनिंग 11 रन, 3 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। हेड टू हेड के 4 इनिंग में 159 रन, 53 का एवरेज है इसका। कल इंसान हो सकता है कल ये मैच खेले। ठीक है, आदित्य खेलेंगे नहीं। रोहित शर्मा 17 मैच के 17 इनिंग में 526 रन बनाए इस ग्राउंड पे हेड टू, और एवरेज इनका 35 का है। और यहीं हेड टू हेड के 28 मैच में 717 रन, 28 एवरेज का। तो रोहित शर्मा को आप एवरेज प्लेयर बोल सकते हो। ठीक है, सूर्य कुमार यादव इस ग्राउंड पर 7 इनिंग में 129 रन, 18 का एवरेज है। हेड टू हेड के 9 मैचेस में 275 रन, 35 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में सूर्या का एवरेज ठीक ठाक है। ये दोनों खेलेंगे नहीं, सौरभ भी नहीं खेलेंगे। बात कर लेते ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या का। 6 मैच 90 रन, 23 का एवरेज है। 11 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट ले गए हैं। हालांकि इधर आईपीएल में इनको बॉलिंग नहीं कराई जा रही है इनसे। ठीक है, वहीं हेड टू हेड की बात करी जाए तो 10 इनिंग में 148 रन, 37 का एवरेज है। 22 ओवर बॉलिंग करके 8 विकेट ले गए हैं। तो हेड टू हेड में इनका एवरेज ठीक ठाक है। अगर बैटिंग का चांस भी लेने हैं तो अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं आपको। पोलार्ड 13 मैच इनिंग में
224 रन 28 के एवरेज इस ग्राउंड पे। वहीं हेड टू हेड की बात करी जाए तो 20 इनिंग में 467 रन 33 के एवरेज, 40 ओवर बॉलिंग करके 12 विकेट ले गए हैं और इसी ग्राउंड पे 25 ओवर में 6 विकेट ले गए हैं। हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 33 का एवरेज ठीक है, बट विकेट्स इनको बहुत कम मिल रहे हैं। कुरिनाल पंड्यान लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन है इनका, 5 मैच के 5 इनिंग में 131 रन है। वहीं 44 ओवर बॉलिंग 13 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए हैं, एवरेज इनका 44 का है। हेड टू हेड में 6 इनिंग में 94 रन 19 का एवरेज इनका, 22 ओवर बॉलिंग करके 7 विकेट ले गए हैं, तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कुणाल पंड्या का। ये दोनों खेलेंगे नहीं, जैमिनस इनका फिलहाल कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे नहीं, धवल कुलकर्णी भी नहीं खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह 28 ओवर 7 विकेट इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 38 ओवर 8 विकेट, तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं बुमराह का। राहुल चहर 8 ओवर 5 विकेट इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 22 ओवर में 6 विकेट। राहुल चहर का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है बट अपोनेंट्स के अगेन ठीक नहीं है। ट्रेंट बॉल 41 ओवर 16 विकेट इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड में 31 ओवर में 9 विकेट। मोहसिन यान खान का कोई अवेलेबल है नहीं रिकॉर्ड। जयंत यादव 43 ओवर 8 विकेट इस ग्राउंड से ठीक है, हेड टू हेड में 10 ओवर में 25 ओवर में 10 विकेट। एडम माइल खेलेंगे नहीं, कुलटन नाइल 39 ओवर 14 विकेट इस ग्राउंड से, हेड टू हेड में 8 ओवर में 4 विकेट। पीयूष चावला यजेंद्र चहल खेलेंगे नहीं। अब बात कर लेते फ्रेंड्स चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स का हेड टू हेड परफॉर्मेंस और इस ग्राउंड पे। चेन्नई सुपर किंग्स से MS धोनी इस ग्राउंड पे 10 इनिंग में 213 रन 30 का एवरेज है इनका। हेड टू हेड की बात करी जाए तो 21 इनिंग में 679 रन 34 का एवरेज है, तो धोनी का एवरेज ठीक ठाक है एकदम अच्छा खासा कह सकते हो आप इस ग्राउंड पे भी, ओपोनेंट के अगेंस्ट भी, MI के अगेंस्ट भी। फैफ डी प्लेसी 3 इनिंग 102 रन 34 का एवरेज है इस ग्राउंड पे। हेड टू हेड की 14 इनिंग में 297 रन 23 का एवरेज है, तो इनका एवरेज ठीक ठाक है। सुरेश रैना 13 मैच के 13 इनिंग में 406 रन 45 का एवरेज है, इनका एवरेज देखिए कितना अच्छा है इस ग्राउंड पे। हेड टू हेड की बात करी जाए तो 32 इनिंग में 818 रन 32 का एवरेज है, तो MI के अगेंस्ट भी ठीक ठाक इनका एवरेज है। अंबती रायडू खेलेंगे नहीं, ऋतुराज गायकवाड 1 मैच खेले थे इसी ग्राउंड पे और इन्होंने 75 का स्कोर खड़ा था। रॉबिन उथप्पा 11 मैच के 10 इनिंग में 227 रन 25 का एवरेज है। वहीं हेड टू हेड की बात करी जाए तो 25 इनिंग में 561 रन है और 25 का एवरेज है इसका। चेतेश्वर पुजारा खेलेगा नहीं, ये दोनों खेलेगा नहीं। श्याम करण ऑलराउंडर सेक्शन से 8 ओवर 1 विकेट इस ग्राउंड से, हेड टू हेड के 3 इनिंग में 78 रन 26 का एवरेज है, 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए, तो आप इसे एज अ बॉलर बैट्समैन दोनों से खिला सकते हो ठीक है, दोनों में पॉइंट करके दे सकते हैं। जडेजा 13 मैच के 8 इनिंग में 120 रन 30 का एवरेज इस ग्राउंड से, 32 ओवर बॉलिंग करके 8 विकेट ले गए इस ग्राउंड पे ठीक है। वहीं हेड टू हेड की बात करी जाए तो 21 इनिंग में 259 रन 17 का एवरेज है, 62 ओवर बॉलिंग करके 15 विकेट ले गए हैं, तो कुछ खास परफॉर्मेंस तो है नहीं इस ग्राउंड पे ना ही अपोनेंट्स अगेंस्ट। मोइन अली कल का मैच खेले थे नहीं, पिछला मैच 5 मैच के 3 इनिंग में 57 रन है 28 का एवरेज इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 12 ओवर में इसी ग्राउंड के 12 ओवर में 3 विकेट ले गए हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग में 63 रन 32 का एवरेज, 5 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए हैं, तो मोइन अली का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, अगर खेले तो आप इसे पिक जरूर करना। ये दोनों खेलेंगे नहीं, वर्मा जी भी नहीं खेलेंगे, ऐसे भी नहीं खेलेंगे, कंत शर्मा भी नहीं खेलेंगे। दीपक चहर राइट आर्म मीडियम फास्ट 13 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट मिला है इन्हें इस ग्राउंड से, हेड टू हेड के 30 ओवर में 9 विकेट, तो कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं बट इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो हम आपको आगे में बताएंगे। सरदुल ठाकुर 16 ओवर 2 विकेट, हेड टू हेड के में 24 ओवर में 5 विकेट, इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं बट ये भी फॉर्म में है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ब्रैबो 25 ओवर में 12 विकेट लेंगे इस ग्राउंड से, हेड टू हेड के 67 ओवर में 28 विकेट, तो ब्रैबो का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। एनगेडी 7 ओवर 4 विकेट इस ग्राउंड से, हेड टू हेड में 4 ओवर में 3 विकेट, तो एनगेडी का फॉर्म देखो कितना तगड़ा है, आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। इमरान ताहिर लेग ब्रेक कुगरी करते हैं ये, 40 ओवर में 18 विकेट मिला है इस ग्राउंड से, हेड टू हेड में 49 ओवर में 17 विकेट, ये दोनों खेलेंगे नहीं। अब बात कर लेते फ्रेंड्स मुंबई के प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस,
जो इस वीडियो का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 30 रन, 30 रन, 17 रन, 2 रन, 40 रन, 2 रन, 3 रन, 70 रन। डिकॉक का लास्ट का इनिंग ठीक ठाक है, उससे पहले दो इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, 140 है, फिर से दो इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, तो इसका अप डाउन चलता रहता है, फिर भी आप इसे एवरेज प्लेयर कह सकते हो। ठीक है, इतने ब्रेव प्लेयर से कि इसको आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। ईशान के साथ 4, 28, 1, 12, 26, 6, तो ईशान फ्लॉप चल रहे हैं, आदित्य ताड़े खेलेंगे नहीं। रोहित शर्मा 19, 9, 43, 32, 44, 63, 14। रोहित का लास्ट इनिंग को छोड़ दिया जाए तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये। सूर्य कुमार यादव 32, 31, 56, 10, 24, 33, 16। तो सूर्य कुमार में एवरेज का इसका एवरेज ठीक ठाक है, आप इस एवरेज पे भी बोल सकते हो, लगभग लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंस रह रहे हैं ये तीनों खेलेंगे नहीं। और डाउनटेक सेक्शन से बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या का, 11, 39, 13, 15, 7, 1। तो बैटिंग से कुछ खास कर नहीं रहे हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लास्ट में इन्हें विकेट नहीं मिला, तो हार्दिक पांड्या को आप ड्रॉप कर सकते हो, ये फ्लॉप प्लेयर है, ना ही बैटिंग से कुछ कर रहे हैं ना ही बॉलिंग, तो मिल ही नहीं रहा इन्हें। किरण पोलार्ड 0, 7, 5, 35, 2, 16, 18। तो किरण पोलार्ड का फॉर्म कुछ खास है नहीं। कुणाल पांड्या 1, 7, 15, 3, 1, 3, 39, 1 विकेट, इन दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिला, चारों मैचेस में कोई विकेट नहीं मिला है, तो कुणाल पांड्या को भी फ्लॉप प्लेयर कह सकते हो, कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। अनुकूल रॉय खेलेंगे नहीं, जेमी नसीम भी नहीं खेलेंगे, मार्कस जेनस ये खेल सकते हैं। ठीक है, 4 रन, 0 रन, 0 रन, 0 रन, 0 रन, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, तो मार्कस जेनस आपको विकेट लेके दे सकते हैं। ठीक है, बट कुछ खास परफॉर्मेंस इनका है नहीं। अर्जुन खेलेगा नहीं, कुलकर्णी खेलेगा नहीं, बुमराह 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। तो बुमराह का लास्ट एक मैच छोड़ दे तो बाकी का 3 मैचेस में इन्होंने 1-1 विकेट लिख कर दिया है। राहुल चहर 0 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। राहुल चहर का परफॉर्मेंस देखो, बिल्कुल कंसिस्टेंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं ये। ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। तो बोल्ट का फॉर्म भी ठीक ठाक ही है, हालांकि कल इनको मिलने विकेट मिलने के चांसेस बहुत लेस लग रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स को सपोर्ट होगा ज़्यादातर। मोहसिन खेलेंगे नहीं, जयंत यादव 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तो जयंत यादव भी फ्लॉप चल रहे हैं, एंड माइल खेलेंगे नहीं, कुलटर नायल 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। तो इनका फॉर्म भी ठीक ठाक है, लास्ट 4 मैचेस में इन्हें 5 विकेट मिले हैं। पीयूष चावला यंदर में चल खेलेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस। MSD 16, 19, 1, 0, 18, 27, 2। तो MSD फ्लॉप है बिल्कुल, ये खेलेंगे नहीं। फैब 17, 0, 36, 33, 95, 50, 56। फैब डुप्लेसी देख लो आप, लास्ट के इनके 4 इनिंग्स देखो, बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं, गोल्डन फॉर्म आप इसे कह सकते हो, आपकी टीम में ये कैप्टन के प्रबल दबादार है। सुरेश रैना 0, 36, 4, 54, 18, 18, 2, 20। तो सुरेश रैना का भी फॉर्म बिल्कुल फ्लॉप है फिलहाल। अंबती रायडू 38, 1, 23, 0, 27, 14। तो अंबती भी फ्लॉप है। ऋतुराज गायकवाड़ 33, 5, 5, 10, 64, 33। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट 3 मैचेस में से ये फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल एवरेज प्लेयर है, आप इसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट में आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट इनिंग देखो आप, 1 64 का, 1 33 का, 1 75 का है। रॉबिन उथप्पा 33, 91, 8, 8। तो रॉबिन उथप्पा का लास्ट 2 इनिंग को छोड़ के बाद देखा जाए तो लास्ट के 2 इनिंग में फ्लॉप है ये। चेतेश्वर पुजारा निशांत खेलेंगे नहीं। श्याम करण 14, 34, 5, 13। इन तीनों मैचेस में बैटिंग नहीं मिली, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो सैम करन आपको हर मैचेस में विकेट निकाल के दे रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हो। जडेजा 26, बैटिंग नहीं मिली, 8, 6, 62, 7। 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तो जडेजा कल आपको फिर से विकेट निकाल के देखते हुए सकते हैं आप,
अच्छा खासा विकेट निकाल देंगे आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। मोइन अली 0 36 46 26 25 15, 0 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, बैटिंग नहीं मिली, बॉलिंग नहीं मिली, 0 विकेट। तो मोइन अली का फॉर्म भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास ना ज़्यादा अच्छा। ये दोनों खेलेंगे नहीं, भार्गव भी नहीं खेलेंगे, ऐसे भी नहीं खेलेंगे, कंत शर्मा भी नहीं खेलेंगे, दीपक चहर। चार विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। तो दीपक चहर कभी परफॉर्म्स कर रहे कभी नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप देख लेना। बट जब भी इन्होंने इन्हीं विकेट मिला है तो 4 4 विकेट मिला, इस बात का भी ध्यान में रख लेना आप। 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। तो शार्दुल ठाकुर का फॉर्म बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। ड्वेन ब्रावो 0 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ब्रावो को लगभग लगभग 1 विकेट मिल ही जाता है। एनगीडी का परफॉर्मेंस देखो आप, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, एनगीडी का बिल्कुल गोल्डन फॉर्म कह सकते हो आप। कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं हर मैचेस में। इमरान ताहिर 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, इमरान ताहिर का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छा है। ये दोनों खेलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी इस डीप रिसर्च के वीडियो से आपको कुछ अच्छी खासी हेल्प मिलेगी टीम बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।